हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान का बीए सेकंड ईयर का पेपर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल थिंकर्स यानी कि प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक। ये सुपर मॉडल क्वेश्चन पेपर 2022 है और इसकी काफ़ी टाइम से डिमांड आ रही थी। एक्चुअली हमें लगा था कि मैंने इसको अपलोड कर दिया, ये बना के रखा हुआ था। आई एम सो सॉरी गाइस, मैं इसको अपलोड नहीं कर पाई हूँ और मैं अब अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का मुझे मैसेज आया कि सेकंड पेपर तो है, फर्स्ट पेपर नहीं मिल रहा है। और मुझे लगा कि शायद मैंने अपलोड कर दिया, क्योंकि बहुत सारे पेपर रहते तो मुझे ऐसा लगा कि अपलोड कर दिया है, पर ये करा नहीं था। तो चलिए देखते हैं इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और कौन कौन से एग्जाम में आने वाले हैं। प्राचीन भारतीय के मनु के योगदान का परीक्षण करो। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतक की कोई दो विशेषताएं बताइए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर टिप्पणी लिखिए। कौटिल्य के राजा तथा मंत्री परिषद संबंधों विचारों का परीक्षण कीजिए। बौद्ध परंपराएँ क्या हैं संक्षिप्त में लिखिए। मनु के अनुसार राजा के कार्य बताइए। और मनु से रिलेटेड और कोई क्वेश्चन हो तो वो पढ़ लेना, क्योंकि उसके आने के चांसेस है। अब आ जाती है आपकी यूनिट नंबर सेकंड, और यूनिट नंबर सेकंड में प्लेटो के अनुसार शिक्षा सिद्धांत की आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। पाश्चात राजनीतिक चिंतक की कोई दो, यानी कि पाश्च जो होता है ना, उसकी राजनीतिक चिंतक की कोई दो विशेषताएँ लिखिए। आप उसकी विशेषताएँ लिखिए। प्लेटो के अनुसार न्याय का अर्थ समझाइए। प्लेटो के आदर्श राज्य पर एक लेख लिखिए। अरस्तु के अनुसार क्रांति के मुख्य कारण क्या हैं। प्लेटो के साम्यवाद व आधुनिकवाद में अंतर लिखिए। संपत्ति संबंध में अरस्तु के विचार लिखिए, या जो कह सकते हैं यहाँ पे कि संपत्ति क्या है, उसके प्रकार, उसके संबंध में अरस्तु ने क्या अपनी प्रेरणा दी या उसके क्या विचार व्यक्त किए, उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। अगला है आपका प्रतिनिधि शासन पर मिले के विचार लिखिए। मेकियावेली के राज्य संबंधी विचार संक्षेप में समझाइए। उपयोगितावाद क्या है। मेकियावेली के मानव स्वभाव संबंधी विचार समझाइए। मील के स्वतंत्रता संबंधी विचार का परीक्षण कीजिए। आधुनिक राजनीतिक चिंतक की विशेषताएं लिखिए। बेथम के उपयोगितावाद के आधारभूत सिद्धांत लिखिए। अब आ जाता है आपका यूनिट नंबर फोर को स्टार्ट करने के पहले, गाइस अगर वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। और जब आपका एग्जाम पेपर हो जाए तो प्लीज़ मुझे बताइएगा आपके लिए पेपर कितना हेल्पफुल रहा, कितने क्वेश्चन आए हैं, नहीं आए, जो भी आपका फीडबैक है प्लीज़ गाइस देना ना भूलें। साथ ही साथ में जब आपका एग्जाम हो जाए तो मुझे पेपर सेंड करना भी ना भूलें। इसके अलावा सोशल मीडिया पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, सभी माध्यम पर। राइट गाइस, चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चन। मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत को समझाइए। मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। काल्पनिक समाजवाद पर प्रकाश डालिए। दास कैपिटल पर संक्षिप्त लेख लिखिए। एम एन राय के राजनीतिक विचारों को समझाइए। मार्क्सवादी दर्शन में लेनिन का क्या योगदान है। लेनिन से संबंधित क्वेश्चन 100% आएगा, ये आप याद करके रखिएगा। एम एन राय के नव मानवतावाद पर टिप्पणी लिखिए। अब आ जाती है आपकी यूनिट नंबर फिफ्थ। यूनिट नंबर फिफ्थ में हम देखेंगे गांधी जी के राज्य संबंधी विचारों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करो। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के राजनीतिक विचारों का वर्णन करो। गांधीवाद क्या है। भारत के संविधान निर्माण में अंबेडकर जी की क्या भूमिका रही। महात्मा गांधी के राजनीतिक विचारों का वर्णन करो। डॉक्टर अंबेडकर के राजनीतिक व सामाजिक चिंतन पर प्रकाश डालिए। और लोहिया के सामाजिक चिंतन को स्पष्ट करो।
तो इतने से क्वेश्चन है गाइज, आप इनको सभी को करके जाइएगा, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। एंड थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक यू।